etsy.com सर, इस पे कंप्लीट वीडियो बना दें। ये ऐसा कमेंट है जो आप बार बार मेरी किसी ना किसी पोस्ट के नीचे करते रहते हो, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं, लेकिन इसका इंट्रो बनाने में बड़ा टाइम लगता है यार। मतलब इंट्रो के इतने रीटेक होते हैं, लगभग इस इंट्रो को बनाने के लिए जो अभी मैं बना रहा हूँ मुझे शायद 50 दफ़ा रीटेक लेना पड़ा होगा। तो मैंने सोचा कि इस एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ ताकि एक दफ़ा ही इंट्रो बन जाए और फिर मैं डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर चला जाऊँ, और स्क्रीन पे जैसे ही लैंड होते हैं ना वो बड़ा आसान होता है। अच्छा, कम टू द पॉइंट, etsy.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली गेस्ट पोस्टिंग की बाइंग और सेलिंग के लिए बना हुआ है, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आ सकते हैं अगर आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स की लिस्टिंग की अप्रूवल ले लेते हो, और यहाँ पे आप लोग बाई करके फाइवर और अपवर के ऊपर सेल भी कर सकते हो। मीन टू से कि लाखों रुपए कमा सकते हो अगर आप इसको थोड़ा सा तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोग पाकिस्तान और इंडिया से हैं तो डेफिनेटली स्कैम वगैरह भी होते हैं। स्कैम यहाँ पे पेमेंट्स की सूरत में नहीं होता, आपका टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। लाइक अगर आप एज अ बायर उस पे किसी बंदे को ऑर्डर करते हैं तो वो काफ़ी दिनों बाद आपको जो है वो रिपोर्ट ही सेंड नहीं करेगा और फाइनली जो है वो आपका ऑर्डर रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमने इसको किस तरीके से देखना है कि हम बाइंग कैसे करेंगे और सेलिंग के लिए क्या तरीकाकार इस्तेमाल करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए, ये वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट देखनी है। और इस वीडियो में मैं रजिस्टर करने तक, यानी एडसे के ऊपर किस तरीके से रजिस्टर किया जाता है वहाँ से लेके एंड तक A to Z मैं बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के जितने भी मिलते जुलते प्लेटफॉर्म हैं उन सब को बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं खुद विदाउट वॉचिंग एनी अदर वीडियो। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, इससे पहले आप देख लें कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, और स्क्रीन पे चलते हैं। जी, जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर लैंड कर चुके हैं, यहाँ पे हमने गूगल पे जाके लिखना है ADSY Etsy, और यहाँ पे ये सामने आपके etsy.com की पहली वेबसाइट आ जाएगी। जिन लोगों ने तो इसको ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है वो इसको साइन इन करेंगे, डेफिनेटली लॉग इन करेंगे। जिन लोगों ने इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुना है या ऑलरेडी अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो वो लोग इसको साइन अप पे क्लिक करेंगे, लेकिन साइन अप का बटन यहाँ पे सामने नजर नहीं आता। हम जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा तो यहाँ पे ये अपीयर हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है साइन अप पे, जस्ट आपने अपनी ईमेल पुट करनी है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फोन नंबर, लेकिन वो वाला फोन नंबर देना है जो आपका व्हाट्सएप पे है, ताकि कभी अगर आपने एडसे को ओपन करना भूल जाए, याद ना रहे और आपको कहीं ना कहीं ऑर्डर आ जाए तो ये लोग आपको व्हाट्सएप पे रीच करके बता सकें कि भाई आपके पास एक ऑर्डर आया है, जाके वो देख लें। अच्छा, अदरवाइज ईमेल भी आ जाती है, लेकिन हम डेफिनेटली हम एशिया में जो है वो हमारा इतना रुझान नहीं है ईमेल ओपन करके देखना कि हमारी इंपॉर्टेंट ईमेल्स कौन कौन सी हैं कौन कौन सी नहीं है, तो डेफिनेटली व्हाट्सएप पे हम हर वक्त ही लाइव रहते हैं, तो इसलिए इन्होंने ये चीज़ रखी हुई है। सो इट्स वेरी सिंपल टू ज्वाइन, बस यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा फेसबुक के थ्रू ना ज्वाइन कीजिएगा, ऑलवेज रिकमेंड यू गूगल जीमेल अकाउंट, इसके थ्रू आप कीजिएगा, ये ज़्यादातर आपके बैन नहीं होते। अगर फेसबुक आपका कभी डिलीट हो जाता है या कुछ हो जाता है इस तरह का तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम बन सकती है। अच्छा, साइनअप का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, रियल नेम दीजिएगा ताकि आप बाद में एड्रेस के हिसाब से वेरीफाई कर सकें अगर कभी आपकी पेमेंट स्टक हो जाए, तो अपना नेम और फ़ोन नंबर आपने अपना ही देना है, और जो आपकी सबसे ज़्यादा सिक्योर ईमेल है वो आप ईमेल यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब कोई भी ईमेल लगा सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिएगा वो वाली लगाइएगा जिससे आप ईमेल मार्केटिंग नहीं करते, ताकि आपकी ईमेल बैन होने का खतरा ना हो। तो ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी मेरा, क्योंकि अकाउंट इस पे मैंने बना रखा है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए और हम इस पे एक ऑर्डर भी करके देखे हैं, हमने कुछ पेमेंट्स वगैरह $50 तक डिपॉजिट करके देखी है कैसे करता है, क्या सिस्टम है इसका। तो अब A to Z इसकी मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा वीडियो को थोड़ा फास्ट रखूं ताकि आप आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकें। अच्छा जी, ये इसका लोगो है, इसके बाद यहाँ पे इसका बैलेंस शो होता है, रिजर्व भी इसका वो वाला बैलेंस शो होता है, यहाँ बैलेंस वो होता है जो आप ऐड करते हैं, यानी आप अपने क्रेडिट कार्ड से, आप अपने जो है वो डेबिट कार्ड से, या फिर आप अपने पेपाल से, या कोई भी जो पेमेंट मेथड है यहाँ पे रिकमेंडेड है, मैं इसके बारे में बात करूंगा, उसके थ्रू डिपॉजिट करते हो तो ये वो पेमेंट यहाँ पे शो हो जाती है। आगे आ जाता है रिजर्व पेमेंट, वो वाली पेमेंट है जिसके आप, जैसे अभी मैंने $35 किसी को ऑर्डर किए हुए हैं तो वो वाली पेमेंट यहाँ पे शो होगी। बाकी आ जाता है बोनस, एड से अभी कोई किसी किस्म का बोनस नहीं दे रहा फिलहाल, लेकिन इसके अलावा अगर आप iCopify को देखें तो वो कुछ परसेंटेज तक बोनस देता है व्हेन यू डिपॉजिट सम मनी ऑन iCopify। तो ये तीन चीजें तो कवर होगी, आगे आ जाता है ये क्या है ये देखते हैं जी। लीव योर नंबर एंड वन ऑफ योर प्रोफेशनल विल कॉन्टेक्ट यू,
कॉल बैक, ओके, ये आप अपना नंबर दे सकते हैं इनको, जिसकी वजह से वो आपको कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े कस्टमर सपोर्ट से बात करने की तो तब आप दे सकते हैं। यहाँ पे आएंगे जी नोटिफिकेशन, ये वो वाले नोटिफिकेशन होंगे अगर आपको कोई ऑर्डर आया है या आपको आपने किसी को ऑर्डर किया हुआ है, यानी अभी ये बायर मोड है। दो मोड होते हैं इसके, मोड मतलब के इसके दो विंडोज होती हैं, दो साइड्स होती हैं। यहाँ पे अगर हम स्विच करते हैं तो पब्लिशर साइड पे चले जाते हैं, और जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम बायर वाली साइट पे आ जाते हैं। अभी जो मैंने ओपन किया हुआ है वो बायर वाला प्लेटफॉर्म है, जो कि समझना बहुत जरूरी है सेलर प्लेटफॉर्म मोड के साथ साथ। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आपके जितने भी ऑर्डर की रिपोर्ट्स आती हैं वो यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा, या फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर अगर आपको कोई मैसेज आया है, जैसे कि ये मैसेज आया, लेट मी चेक, इस पे क्लिक करके देखते हैं कि किसका मैसेज आया है। ओके जी, ये किसी का मैसेज यहाँ पे, लेट मी चेक। ओके, ये जी हमने किसी को ऑर्डर प्लेस किया था इस वेबसाइट का, ठीक है, टेस्टिंग के लिए, और ये हमने उसको यूआरएल दिया था, ये उसको एंकर टेक्स्ट दिया था, और इस वेबसाइट को हमने ऑर्डर किया था। इसकी डिटेल मैं जानता हूँ, लेकिन उससे पहले हम जो बेसिक मेन मेन चीजें हैं वो डिस्कस कर सकें। नोटिफिकेशन वाला हो गया काम, उसके अलावा अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ये जो बैलेंस वाला बटन है वो यहाँ पे पेमेंट ऐड करने के लिए हमें ऐड फंड पे क्लिक करना होता है, और यहाँ पे भी हम क्लिक करके ऐड फंड्स पे जा सकते हैं। यानी अगर आपने पेमेंट डिपॉजिट करनी है तो क्या तरीका कार है, ऐड फंड पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे हमारे पास लगभग कोई तीन तरीके होते हैं, लेट मी चेक, पेपाल, क्रेडिट कार्ड और क्रिप्टो बिटकॉइन वगैरह। ओके, पेपाल आप लोगों के पास होता नहीं है, और बिटकॉइन वगैरह का बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को आइडिया है वो बड़ी आसानी से बिटकॉइन पे यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि आपने बाइनांस पे जाके डिपॉजिट करना है, और यहाँ पे यूएसडीटी का एड्रेस कॉपी कर लेना, और इस एड्रेस पे जितनी आप पेमेंट चाहते हैं आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो पेमेंट आप डिपॉजिट कर सकते हैं ऑन एड से, दैट इज $25, यानी $25 से कम पैसे भाई आप यहाँ पे नहीं डिपॉजिट कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, एड फंड पे मैंने क्लिक किया, मैं किस तरह डिपॉजिट करता हूँ, वेरी सिंपल है, आपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है, और $25 डेफिनेटली डिफॉल्ट है, यू कैन ऐड मोर देन $50 एज इवन यू कैन ऐड $2000 एज अ डिपॉजिट, लेकिन आई विल स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू, अगर आपको जरूरत है तो देन आप 25 डिपॉजिट करके टेस्ट करें, चेक करें मार्केट को, फिर आगे बढ़िएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे अब आपको पता है अपने कार्ड डिपो की डिटेल डालनी है, कार्ड नंबर डालना है, CVV जो तीन हिस्सों वाला कोड डालते हैं वो ऐड करना है, एक्सपायर ऑन ऐड करना है, और यहाँ पे आई हैव रीड द टर्म्स यहाँ पे क्लिक करके आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, और आपके कार्ड से पेमेंट यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन 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 इतनी आसानी से नहीं आती, जब तक आपके पास कोई वर्चुअल कार्ड नहीं है, विज कार्ड नहीं है, या वो वाला कार्ड नहीं है जिसका इंटरनेट सेशन ऑन हुआ हुआ है, यानी कि इंटरनेट पे पेमेंट आप कर सकते हैं, इसकी जो आपको ऑथराइज करे बैंक, यानी बैंक आपको अलाउ करे, इसके दो तरीका कार्ड होता है, एक तो हर बैंक जैसे UBL वालों का अलग से कार्ड होता है, यानी आपका जो ATM कार्ड होता है, इसके अलावा एक आपको कार्ड देते हैं, बेसिकली वो कार्ड नहीं होता, वो आपको ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उस कार्ड के अंदर आप डिपॉजिट कर लेते हैं इनकम अपने बैलेंस से, यानी जो आपके बैंक अकाउंट में आपके मोबाइल ऐप में सामने अमाउंट आ रही होती है वो आप अपने विज कार्ड में ट्रांसफर कर लेते हैं, उसके माइनर से एक्स्ट्रा चार्जेस भी होते हैं, वो जो चार्जेस होते हैं यानी उस कार्ड के अंदर आप जब पेमेंट लोड करते हैं वो आप कार्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे, और आपके जो $55 हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे, या फिर जिसके पास विज कार्ड नहीं है वो बैंक वालों को कॉल करे और कहे मुझे इंटरनेट पे पेमेंट करनी है, वो कहेंगे कि कहाँ पे करनी है, आप कह सकते हैं मुझे फेसबुक ऐड के थ्रू करनी है, फेसबुक ऐड के ऊपर करनी है, या मुझे इंटरनेट से कोई चीज़ बाई करनी है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से, यानी उनको अगर आप ऐड से बताएंगे तो वो कहेंगे है क्या क्या होता है, तो आपको खुद अभी इतना अंदाजा नहीं होता तो आप उसे कैसे समझाएंगे। सो आपने अगर वो डिटेल मांगते हैं तो इस तरीके से आपने उसको डिटेल दे देनी है कि मैंने इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे कोई चीज़ बाई करने के लिए पेमेंट करनी है, तो आपको पूछेंगे कितनी अमाउंट तक आपने करनी है, तो आप बता सकते हैं कि मैंने 10-12 हज़ार या 20 हज़ार तक डिपॉजिट करना है, यानी आपने जिस हिसाब से डिपॉजिट करनी है उतनी रेंज बता देनी है, फिर वो आपको टाइम पूछते हैं कि कितने टाइम तक आपका इंटरनेट सेशन ऑन रखें। ये कुछ बैंकों का होता है जिनके पास विज कार्ड नहीं होता, वो अपने कार्ड को लगा करके यानी पहले बैंक से परमिशन लें, वो बैंक आपको कॉल पे आपको परमिशन दे देगा, जस्ट आपको 5 मिनट में कॉल करनी है। अच्छा,
वो आपको एक एक ड्यूरेशन दे देगा कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक, यानी वो पूछेगा कि 1 महीने के लिए आपका इंटरनेट सेशन ऑन रखना है, यानी इंटरनेट पेमेंट लो रखनी है, या 24 घंटों के लिए रखनी है, तो यू कैन डील विद दैट। 2 दिन के लिए करवाना है, जितने दिन के लिए भी करवाना है आपको, जो भी आपका हिसाब होता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो फिर आप जब आप वो कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको एक वेरिफिकेशन कोड पूछा जाएगा कुछ केसेस में, तो आपने वो कोड अपने मोबाइल नंबर वाला जो बैंक को दिया होगा वहां से ले करके, यानी कि अपने मोबाइल से लेकर के यहाँ पे इंटर कर देना है, पेमेंट हो जाएगी डिपॉजिट। और जब आपका $25 यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है फर्स्ट पेमेंट, तो देन जो चीज होती है एड से अलो करता है, वो आपको पब्लिशर्स की जो साइट्स होती हैं यहाँ पे, यानी कि आपने कौन सी साइट देखनी है वो अलो करता है देखना। अदरवाइज अगर आप डिपॉजिट नहीं करते पेमेंट, तो ये वाली साइट्स आप नहीं देख सकते, यहाँ पे आपको ब्लर कर देते हैं इन साइट्स को। आप जस्ट डिटेल्स दे सकते हैं, कैटेगरीज देख सकते हैं, इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। अच्छा जी, हम थे यहाँ पे, आगे मैं थोड़ा सा मजीद इसको फास्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अकाउंट सेटिंग पे, तो अकाउंट की सेटिंग बेसिक चीजें होती हैं, नाम वगैरह। यहाँ पे है रेफरल प्रोग्राम। ये जो रेफरल प्रोग्राम है, ये इस पे जब अगर मैं क्लिक करता हूँ, इसके थ्रू आप भी पेमेंट कमा सकते हैं विदाउट बाइंग और सेलिंग एनीथिंग। यानी जब इस पे क्लिक करते हैं, तो इन्होंने थर्ड पार्टी का एक रेफरल प्रोग्राम अपने साथ लिंक किया हुआ है, और आप अपना रेफरल कोड किसी को भी दे के ज्वाइन करवा सकते हैं एडसे को। तो वो जब बाइंग और सेलिंग करेगा, बाइंग करेगा या सेलिंग करेगा, तो उसका 10% कमीशन आपको मिलेगा। दैट्स कॉल्ड एफिलिएटेड मार्केटिंग एज वेल। तो अगर जिन लोगों ने यहाँ पे एक, वैसे मुझे भी बिजनेस नजर आ रहा है, वो ये कि जो मेरा रेफरल कोड होगा वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करना है, तो दे कैन ज्वाइन वाया माई रेफरल कोड एज वेल। सो मैं देखो कि आप लोग कितना कर रहे हो डिपॉजिट और कितना नहीं, और डेफिनेटली इट विल बी अ सोर्स टू मेक मनी फॉर मी। यानी वैसे भी तो आपने एडसे पे जाके ज्वाइन करना है, एडसे लिखेंगे यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं इस वीडियो के नीचे, जो मैं यहाँ पे पुट करूंगा, लाइक अगर मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ, वो वीडियो होगी ये, और इस वीडियो पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ डिस्क्रिप्शन के नीचे, शो मोर के नीचे, यहाँ टॉप पे मैं वो रेफरल लिंक पुट कर दूंगा। तो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, और उस पे लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर आप साइन अप पे क्लिक कर सकते हैं, तो आप मेरे रेफरल बन जाएंगे। मे बी वो ट्रैकिंग आईडी वगैरह, ओ आई थिंक ओके, ये चीज बीच में ऐड चल गई थी, ओके। तो डेफिनेटली ये जो चीज है आप करेंगे, तो उससे मुझे पता मेरे एफिलिएटेड आप बन जाएंगे। तो यही चीज आप दूसरे दोस्तों को ज्वाइन करा सकते हैं, अपना रेफरल लिंक जो है वो उनको दे सकते हैं ज्वाइन के लिए। इससे ये होता है कि ये प्लेटफॉर्म आपको 10% कमीशन देता है बाइंग और सेलिंग के ऊपर। सो बाकी आपकी मर्जी है, आप सिंपल भी ज्वाइन कर सकते हैं, रेफरल लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। ओके जी, आगे चलते हैं। ये हो गया इसका सिंपल सा तरीकाकार। अब आते हैं कि एज अ बायर, अगर आपको एक ऑर्डर आता है जी, बंदा कहता है आपको रियल एस्टेट के ऊपर, यानी आपका आपका कस्टमर आपको कहता है कि उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि रियल एस्टेट नीश हो, यानी कैटेगरी हो, और उसकी ट्रैफिक इतनी हो, डीए इतना हो, स्पैम स्कोर इतना हो, और मेरा बजट जो है वो $50 है। तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे $15, इसमें $15 मिनिमम की साइट होती है, यानी कि मैं आपको समझाता हूँ कि $15 से मतलब क्या है, यहाँ पे फिल्टर को भी एक्सप्लेन करता हूँ। आपने अब इस वेबसाइट से आपने साइट्स किस तरीके से लेनी है, वेरी सिंपल है ये। इस साइट पे अगर यहाँ पे आप देखें, तो इस महीने भी पिछले 3 महीनों में 1688 साइट्स न्यू ऐड हुई हैं, और बहुत सारी साइट्स इनके पास यहाँ पे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 22,647 साइट्स हैं जो वेरीफाइड पब्लिशर्स हैं, यानी एडसे ने उनको वेरीफाई किया हुआ है कि यस दे आर गुड सेलर ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी आपने देख टू के ऑर्डर करना होता है, मैं तरीकाकार बताऊंगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, अब आपके पास ऑर्डर आया है जिसकी रिक्वायरमेंट ये है, लेट मी चेक। कस्टमर सिंपल रिक्वायरमेंट बताता है, ज्यादा डिटेल में नहीं बताता, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत डिटेल में बताते हैं। लाइक एक सिंपल सी एग्जांपल, रियल एस्टेट को पकड़ देते हैं। वो कहता है कि रियल एस्टेट की नीश होनी चाहिए, और उसका जो बजट है वो है फॉर एग्जाम्पल मिनिमम रख लेते हैं $50, और वो कहता है कि जो डीए होना चाहिए 30+, डीआर होना चाहिए 30+, या फिर वो कहता है स्पैम स्कोर जो है वो SS लिख देता हूँ, S फॉर स्पैम, S फॉर स्कोर। स्पैम स्कोर कहता है कि जी लेस देन, स्पैम स्कोर ज्यादा से ज्यादा नहीं बताते, लेस देन यानी कम से कम बताते हैं, क्योंकि ज्यादा स्पैम स्कोर होना आउट ऑफ 100 होता है ये स्कोर, यानी 100 में से कितना है
10 है तो बेटर है, 0 है तो मजीद बेटर है, अगर 100 में से आपका जो है वो 50 है तो स्पैम स्कोर बुरी चीज है, यानी स्पैम स्कोर ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट रखते हैं और देखते हैं यहाँ से साइट्स किस तरीके से निकलती हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास ऑर्डर आ जाता है, देखिए गेस्ट पोस्ट में ऑर्डर बड़ी आसानी से आ जाता है, ठीक है, लेकिन इसको किस तरीके से आपने कंप्लीट करना है, दैट इज अ चैलेंज फॉर यू। ओके, मैं कहता हूं कि जी मेरा बजट होना चाहिए $20। मैं यहां से $20 की साइट्स निकालता हूं और उसका जो डीए है वो 30 होना चाहिए। आगे डीआर जो है वो यहां पे रखता हूं, ये 0 से, यानी ये 15 से 30 तक, यहां पे इसने डीआर की रेंज रखी हुई है 1 से 30 तक। अच्छा, यहाँ पे जो मिनिमम है ना अमाउंट वो होनी चाहिए $15, यानी $15 से नीचे वाली जो साइट्स हैं इससे सस्ती साइट्स यहाँ पे अवेलेबल आपको नहीं मिलेंगी एड्स के ऊपर। अच्छा, मैंने ये फिल्टर डाल दिया, उसके बाद मैंने प्राइस रख दी कि मेरा जो बजट है, यानी एज अ बायर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। अच्छा, डीआर भी रख दिया और उसके बाद स्पैम स्कोर मैं कहता हूँ जी less than 5, वो यार रखते ही नहीं हूँ, बायर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आगे आ जाती है ट्रैफिक, अगर उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसकी ट्रैफिक जो होनी है चाहिए वो 10,000 से लेके 50,000 तक होनी चाहिए, तो देन यू कैन सेलेक्ट दिस फिल्टर। ये डिपेंड करते हैं फिल्टर। फिर आगे है कंटेंट प्लेसमेंट, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, और फिर कंटेंट क्रिएशन प्लेसमेंट, क्रिएशन एंड प्लेसमेंट। यहाँ पे कंटेंट प्लेसमेंट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, कि आपने खुद अपना आर्टिकल उसे देना है और वो आपका आर्टिकल पोस्ट कर देगा। फिर आप दूसरा का टाइप का ऑर्डर करते हो कि आपने उससे क्रिएट करवाना है, यानी वह उससे आर्टिकल भी लिखवाएंगे और वो आपका पोस्ट भी करके देगा, यानी ये दो टाइप की सर्विसेज हैं। बाकी जो सारे फिल्टर्स हैं, यानी टाइप ऑफ लिंक कितना कौन सा होना चाहिए, डू फॉलो नो फॉलो, फिर कंट्री है, बाजू का तो कस्टमर आपको कहता है कि मुझे यूनाइटेड स्टेट कंट्री की ट्रैफिक वाली साइट चाहिए, तो यू कैन गो फॉर दैट फिल्टर। ये बेसिकली फिल्टर है, जैसे दराज पे जाके आप करते हो ना कि इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, इसी पर ऐसी प्रोडक्ट बताएं जो न्यू होनी चाहिए, इस ब्रांड की होनी चाहिए, उनकी जो है वो क्वालिटी इस लेवल की होनी चाहिए, इसी तरह ये फिल्टर है। फिर लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, नॉर्मल केसेस में डेफिनेटली ज्यादातर, बल्कि 95% केसेस में हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही काम करते हैं। फिर आता है निश, अब हम लिख लेंगे जी रियल एस्टेट यहाँ पे, क्योंकि बायर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ये अगर हम देखें तो रियल एस्टेट। सो डीआर और डीए भी 30 था, जो जो बायर की रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से आपने ये ले लेना। और डू फॉलो रिक्वायरमेंट डिफॉल्ट होती है, यानी डेफिनेटली डू फॉलो तो हर एक की रिक्वायरमेंट होती है। तो बाकी आपने देखना है साइट्स, आपको अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर देना है कितनी साइट्स आती हैं। अगर ज्यादा साइट्स आपको मिलती हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज, तो फिर आपने थोड़े से नखरे करने हैं यहाँ पे फिल्टर के अंदर। आपने वो वाले पब्लिशर्स यानी सेलर्स को सिलेक्ट करना है जिनका मोर देन 90% कंप्लीशन स्कोर हो। फिर एवरेज लाइफ टाइम ऑफ स्किल्स उसका मोर देन 90%, यानी वो लिंक बाद में रिमूव नहीं करता। फिर यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करके देखना है कि आपके पास फिर कितनी साइट्स बची हैं। अगर आपके पास मजीद ठीक है अभी भी बची हुई है, तो फिर आप इनिशियल डोमेन रेट, टास्क विद इनिशियल डोमेन रेट, मतलब कि उसने जो टास्क कंप्लीट किए हैं वो कितने कितनी बड़ी डोमेन थी जिनके ऊपर उसने इनिशियल टास्क कंप्लीट किए हैं, यानी यहाँ पे ऑर्डर को टास्क कहते हैं, ठीक है। फिल्टर करना है, अब अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करना है आपने, और फिर अब आपके पास आ जाती है 27 साइट्स। अब ये जो साइट्स हैं इनमें आपने डेफिनेटली आपने कैटेगरी तो सिलेक्ट की हुई है, लेकिन कुछ हजरात ऐसे होते हैं जो रियल एस्टेट कैटेगरी में फाइनेंस की डाल देते हैं, बिजनेस की डाल देते हैं, ऐसी साइट्स डाल देते हैं जो क्या कहते हैं, कैटेगरी को मीट नहीं करती। यानी हम डेफिनेटली पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं, या इस तरह के लोग होते हैं जो क्वालिटी को मेंटेन नहीं रखते और कुछ भी डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर हमें 27 साइट्स फिर भी मिल रही हैं, ये सारी साइट्स अब हमने देखनी है, इनमें से हमने कौन सी चूज करनी है। वैसे तो सबका बजट ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इस फिल्टर को देखता हूँ, तो यहाँ पे ये यह है कि ऐसी साइट्स, ऐसे आपको जो है वो मिले, सेलर मिले यहाँ पे जिनसे ऑलरेडी आप वर्क कर चुके हैं, फिर ऐसे हों जिनको आप निकाल चुके हैं अपनी लिस्ट में। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैंने किसी के साथ इतना ज्यादा काम नहीं किया, यहाँ पे इसको रिसेंटली ही हमने ज्वाइन किया फॉर एज अ बायर पर्पस। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 00 रिजल्ट आता है। तो ऑल वेबसाइट्स पे क्लिक करके मैंने साइट्स यहाँ पे निकाल दी। अगर साइट्स यहाँ से निकालना आ गई ना, तो समझो आपको वेंडर वाले जो मसले हैं वो सारे आपके खत्म हो जाएंगे। अभी चेक कर लेते हैं वीडियो कितनी लेंथी हो चुकी है, क्योंकि फिर आप लोग बोर भी होना शुरू हो जाते हो बहुत जल्दी। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा अभी मुझे। ओके, आगे चलते हैं। ये मुझे 27 साइट्स मिल गई हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पे चेक करना है प्लेसमेंट, यानी कि मुझे यहाँ पे जो प्राइस मिल रही है कि वो आपका आर्टिकल प्लेस करके देगा $18। यहाँ पे फिर आर्टिकल अगर आपने उससे लिखवाना है, तो इसकी कितनी प्राइस मिल रही है,
डेफिनेटली आपको यहाँ पे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि वो $23 है, और उसके बाद डीए बता रहा है, उसके बाद मिनी पोस्ट यानी छोटी पोस्ट और लॉन्ग पोस्ट। इसमें ये होता है कि आपने $50 अपना वर्ड्स वाला ऐड करना है, आर्टिकल पब्लिश करवाना है, या फिर 500 से ज्यादा, सॉरी 50 वाला कह रहा हूँ। मिनी पोस्ट में देख लेते हैं ये क्या कहता है, 300 वर्ड इसने मेंशन किए हुए हैं। मुख्तलिफ साइट्स का अपना अपना होता है, ये 300 वर्ड लिखवा करके फिर वो आप गेस्ट पोस्टिंग उससे करवाते हैं। आजकल आपको पता है चैट जीपीटी के थ्रू हम बड़ी आसानी से जो है वो आर्टिकल लिख के दे सकते हैं, तो यू शुड सेलेक्ट दिस ऑप्शन ऑलवेज। आगे जी कंप्लीशन रेट कितना है उस सेलर का, 92% है, अच्छा है। स्पैम स्कोर इस वेबसाइट का कितना है, 6 है, नो डाउट ठीक है। टास्क विद इनिशियल डोमेन रेटिंग, तो 100% इसने इनिशियल डोमेन रेटिंग वाला जो फीचर है, लेट मी चेक, इसको एक दफा चेक कर लेते हैं। हाउ शो ऑफ्टन द पोस्ट प्लेस ओरिजिनल डोमेन पब्लिशर हैज बीन असाइन टू द टास्क, हायर परसेंटेज ऑफ मोर अथॉरिटी। वही चीज थी जो मैं यहाँ पे बता रहा था कि इस सेलर ने उन लोगों के साथ काम किया हुआ है, उन बड़ी साइट्स के काम के साथ काम किया हुआ है जो ऑलरेडी जिनकी डोमेन रेटिंग अच्छी थी। एवरेज लाइफ ऑफ लिंक्स, एवरेजली उसकी जो लिंक वो क्रिएट की है उसने आज तक अपने बायर्स के लिए, तो उनकी जो एवरेजली उनकी जो समझ लें कि डिलीट नहीं हुए वहां पे वो अवेलेबल रहे हैं, परमानेंट लिंक थे, वो कितनी एवरेज लाइफ है, तो ये वहां पे उसका स्कोर बता रहा है, तो ऑलमोस्ट इसका अच्छा है। लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक वो नहीं बता रहा, तो ये ट्रैफिक आपको खुद जाके चेक करनी पड़ेगी सेमरेस है या दूसरे टूल प्रोवाइड, जो भी टूल होते हैं ट्रैफिक चेक करने के, मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज में बता चुका हूँ। अच्छा आगे जी कंट्री इसका क्या है, यूनाइटेड स्टेट है, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, लिंक्स जो है वी डू फॉलो देगा। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये साइट आप सिलेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपने इसको चेक करना है कि इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो यहाँ क्लिक करने के बाद क्या आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। बाज़ुकात आप यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे $100 भी हो जाती है, तो ये जब आप यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसके कितने वेंडर्स हैं, यानी यहाँ पे मल्टीपल वेंडर आ जाएंगे कि ये भी है, ये भी है, फिर उसकी डिटेल भी है जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, ये भी है। आपने कम से कम 3 से 4 वेंडर उसका होना जरूरी है। लाइक आपने अगर ये साइट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे क्लिक करके आपने चेक भी करना है कि उसके जो वेंडर है टोटल वो कितने हैं, 3 से 4 कम से कम हो, यानी अगर एक आधा है हो सकता है कि उसकी खुद की रेटिंग अच्छी ना हो और वो यहाँ पे साइट सबमिट करवा के खुद भूल गया हो और उसका एडमिन के साथ कोई लिंक ना हो, इस तरह की चीजें आ सकती हैं जिससे आपका ऑर्डर खराब हो सकता है। अच्छा ऑर्डर करने का तरीका क्या है, सिंपल है वेरी, यहाँ पे आप उसके साथ चैट भी कर सकते हैं, बल्कि इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, ऑर्डर करने के बाद आप चैट देख सकते हैं, यहाँ पे आप उसके फीडबैक हैं, बाकी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे, ये उसकी रेटिंग है, ईच एंड एवरीथिंग, कितने असेसमेंट कर चुका है ऑलरेडी, ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे आप उसकी प्रोफाइल देख सकते हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है ये आफ्टर डिपोजिट $25 ऑन एड से तब आपको नजर आएगी। अच्छा तो आगे चलते हैं, यहाँ पे ये मुख्तलिफ है सेलर, इसमें आपने देखना है कि कौन से सेलर की रेटिंग अच्छी है, जिसकी अच्छी है कोशिश करें उसको ही चूज करें, ठीक है। अच्छा ये अब साइट मैंने जैसे बताया था कि रियल एस्टेट की कैटेगरी तो आपने सेलेक्ट कर दी है, लेकिन देखना है कि वो साइट वाकई ही रियल एस्टेट की है कि नहीं, उसके लिए सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे। और देखना है क्या वाकई ही उसकी जो पोस्ट हैं या ओवरऑल कैटेगरीज हैं उससे वो लग रहा है कि रियल एस्टेट है, और डेफिनेटली लग रहा है, जितनी भी ये उसकी कैटेगरीज हैं, जितनी भी उसकी पोस्ट सामने नजर आ रही हैं, और ओवरऑल भी साइट को देख करके लग रहा है, बल्कि डोमेन के अंदर भी लैंड लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये रिलेटेड है, सो यू कैन गो फॉर इट, यू सेलेक्ट यहाँ से कॉपी कर लें उसको और अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे रख लें, उसको सजेशन में दें 3 4 साइट्स, उसे कहें कि ये देखें आप चूज करें कि कौन सी साइट आपको पसंद है, लेकिन यू हैव टू कंफर्म द वेरिफिकेशन ऑफ ट्रैफिक फर्स्ट। यानी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, अब आपको पता है दिसंबर 2022 में एक लिंक स्पैम के नाम से एक अपडेट आई थी गूगल की, जिससे बहुत सारी जो साइट्स थी जो गेस्ट पोस्ट सेल करती थी उन पे पेनल्टी पड़ी थी, यानी कि जिन साइट्स ने गेस्ट पोस्टिंग दूसरी वेबसाइट्स को दी थी विदाउट एनी लॉजिक, यानी कहीं पे भी लिंक प्लेस कर दिया और बहुत सारे लिंक बेचे हैं अननेचुरल तरीके से, तो उन वेबसाइट्स को हिट किया है गूगल के एल्गोरिथम ने, जिससे उनकी ट्रैफिक 0 पे चली गई है। लाइक अगर किसी की 10,000 थी वो भी 0 आ गई है, 1,000 थी वो भी 0 आ गई है, लाखों में थी वो भी 0 हो गई है, जिन्होंने गैस पोस्टिंग बहुत ज्यादा तादाद में सेल की थी। इसलिए ट्रैफिक चेक करना बड़ा जरूरी है, हो सकता है ये साइट जो है वो 2 3 साल पहले की अपलोड हो, यहाँ पे पोस्ट की हो किसी सेलर ने,
वेंडर ने, सो यू हैव टू कंफर्म व्हाट इज मंथली ट्रैफिक एट द मोमेंट ऑफ दैट साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये है जी तरीकाकार देखने का, बाई करने का। जब आपको कहीं से भी ऑर्डर आता है तो इस तरीकाकार को आपने देखना है, यानी ये जरूरी देखना है कि अगर यहाँ पे प्राइस $20 है तो आगे क्लिक करने के बाद भी $20 है या यहाँ पे $200 हो गई है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये बड़ा जरूरी है एडसे में, ये शायद इन दोनों में बग है कि यानी ऊपर तो वो कॉस्ट कम बता रहे होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो कॉस्ट डिफरेंट आ रही होती है। आई होप कि आने वाले दिनों में ये इसको ठीक कर देंगे। ये था इसका बाई करने का तरीका। अब जब आप किसी चीज पे ऑर्डर कर देते हैं, बाई पोस्ट पे क्लिक करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑर्डर करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको, ठीक है, इस वेबसाइट को। फॉर एग्जाम्पल मेरे मेरा जो आर्टिकल है वो ये है, मैंने यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट करना है। मेरे जो क्लाइंट का यूआरएल है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल .com, ठीक है, जो मेरे क्लाइंट का। और मैं चाहता हूँ कि इस टाइटल, इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर जो है वो पुट किया जाए, यानी एंकर टेक्स्ट मैंने ये दे दिया। और बाकी अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, प्लीज मेक श्योर यू योर लिंक विल बी नहीं भाई, रॉन्ग इंग्लिश है, डू फॉलो, ठीक है, एंड परमानेंट। सो ये आपने लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल। ये लिखना जरूरी नहीं है हर दफा, लेकिन अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो जब आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये वाली अमाउंट आपकी चली जाएगी इधर, और आपके सारे जो ऑर्डर हैं जो आपने दूसरों को किए हुए हैं वो आ जाएंगे आपके, लेट मी चेक, यहाँ पर, नो 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 नो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे। जब आप टास्क में जाएंगे, टास्क में जाएंगे तो यहाँ पे आपके ऑर्डर आएंगे। लाइक देखिए, ये मैंने ऑर्डर किया हुआ है, ये प्रोग्रेस में, ठीक है, $20 है, ये कोई हीरा गुल के नाम से है, और बाकी एक मैंने ऑर्डर किसी और को किया था, उसने मुझे यहाँ पे ऑर्डर तो सेंड कर दिया था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट करके कहा था कि आप इसको रिव्यू करें क्योंकि वो स्कैम करने की ट्राई कर रहा था, मे बी, या कर रही थी यहाँ पे ये। ओके, सो यहाँ पे ये है ऑर्डर करने का तरीका कार। यहाँ पे मैंने आपको सारी ऑलमोस्ट चीजें बता दी हैं। स्विच टू पब्लिशर, उस पर हम बाद में जाएंगे, लॉगआउट का बटन ये है। और अगर हम, मैं ये एक एक चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिर भी ना मैं कमेंट्स में देखता हूँ, लोग कहते हैं सर एक एक चीज बताएं, इच्छी बिच्छी बताएं, जिस तरह वो बोलते हैं ना, तो उस हिसाब से मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं अगेन आता हूँ लोगों के नीचे, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के पब्लिशर्स आते हैं, एक वो जो वेरीफाइड है बाई एड से। अब जो वेरीफाइड है उनके अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं क्रिएट, इसलिए बहुत देख दाख के आपने अपने क्लाइंट को साइट सेंड करनी है। लाइक ये अगर वेबसाइट सेंड की है तो इसमें आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो वेंडर है वो वेरीफाइड है, और उसके बाद उसके मल्टीपल वेंडर हैं, ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है। और इसकी ट्रैफिक या सारी चीजें जो मेंशन की हुई हैं वो वाकई ही वो हैं, यानी आपने एक दफा क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेनी है, तब आपने लिस्ट ऑफ साइट्स, लाइक आप एक वेबसाइट देते हैं फिर दो तीन या चार वेबसाइट, लाइक ये चौथी होगी और पांचवी ये जो आपने पुट की हुई है, ये पांच साइट जो है वो अपने क्लाइंट को सेंड करते हैं, तो उनकी आपने मेक श्योर कर लेना है कि अवेलेबिलिटी एडसे के ऊपर कंफर्म हो। ये नहीं कि वो अवेलेबल है और सेलर ने कहा हुआ है कि मैं दूंगा, सिर्फ यहाँ तक नहीं, आपने चेक करना है सेलर की रेटिंग क्या है, सेलर किस लेवल का है, और सेलर ने ऑलरेडी कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, उसकी ओवरऑल जो है वो रेटिंग क्या है, ओवरऑल यानी कि कंप्लीशन रेट क्या है, फिर उसके मल्टीपल वेंडर हैं कि नहीं, ये चीजें जानना बड़ी जरूरी है। तो ऑलवेज क्लिक ऑन वेरीफाइड पब्लिशर्स, लाइक यहाँ पे क्लिक करेंगे आप इसको, और फिर आपने फिल्टर लगाने हैं, ना कि ऑल पब्लिशर्स पे क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, फिर फिल्टर लगाने हैं। फिल्टर लगाने के बाद ये अब डिपेंड करता है, लाइक मैंने ये फिल्टर अप्लाई किया तो नीचे साइट आ गई एक आधी, फॉर एग्जाम्पल बहुत कम आ जाती हैं, तो फिर मैं ये फिल्टर नहीं लगाऊंगा ताकि अवेलेबिलिटी मेरी यहाँ पे रहे और मुझे साइट्स मिले। लाइक मैंने देखे 90%, मोर देन 90% किया, तो आधी से भी कम साइट्स रह गई हैं यहाँ पे। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है यहाँ पे, और आपने ऊपर वाले फिल्टर कौन से लगा रखे हैं, उस हिसाब से आपने नीचे फिल्टर लगा के साइट्स की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना है। इसका आपको आई होप पता चल गया होगा, वेरीफाइड और अनवेरीफाइड दोनों तरह के सेलर्स हैं। बाकी ये पैकेज दे रहे हैं आजकल ये एड से, कि आपने अगर पैकेज में लिंक बाई करने हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा, लाइक 29 पैकेजेस इनके अभी अवेलेबल हैं, यानी आप यहाँ पे आप अपनी पर्सनल साइट्स के लिए 2000 वर्ड का आर्टिकल हो और पांच नहीं आप 10 पोस्ट लेना चाहते हैं और उनका डीए ये होना चाहिए, और उसके बाद आपके जो यूआरएल है, ईच एंड एवरीथिंग है, आपकी जो कैटेगरी है वो ये होनी चाहिए, तो आपका ये टोटल बना के दे देगा और आपको यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करके डिपोजिट करना होता है। सो
ये फिर जो पैकेज है ये या तो एटसे वाले खुद करते हैं या फिर किसी रिकमेंडेड सेलर को ये ऑर्डर ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। बट एक पैकेज वाला जो है, आप अगर एज अ रीसेलर काम कर रहे हैं, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको पैकेज वाला जो प्लान है वो बाई करना पड़े। और कस्टमर भी पैकेज में इस तरीके से नहीं लेता। आपको खुद यहाँ पे साइट्स कंफर्म करनी है, वेरीफाइड करनी है, चेक करनी है कि उनकी अवेलेबिलिटी कंफर्म है कि नहीं, चूज करना है, उनकी ट्रैफिक देखनी है, ईच एंड एवरीथिंग देखने के बाद फिर खुद इंडिविजुअली आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आई थिंक पैकेज वाला जो ट्राई किया था मैंने, लेकिन ये महंगा पड़ता है ओवरऑल, ठीक है, क्योंकि इसमें आई थिंक डीए भी दो फिल्टर्स हैं, डीए बेस और ट्रैफिक बेस, बट बाकी जो फिल्टर हैं डीआर है, जैसे डोमेन की एज है, कैटेगरी है, बहुत सारी और भी चीजें हैं, ये भी मैटर करती हैं काफी ज्यादा। आई थिंक हमारे पास काफी कम जो होता है, हाँ कैटेगरी का ऑप्शन तो है, लेकिन इसके अलावा कुछ फिल्टर्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो पैकेज वाला आप छोड़ दें, ओपन ऑफर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप अपनी खुद की ऑफर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम रीड करें तो वो कहता है कि आप अपने ऑफर क्रिएट करके जो अवेलेबल लोग हैं उनको आप जैसे जो पोस्ट होती थी ना फाइवर के ऊपर या किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि आपने ऑफर डाल दी है कि मुझे 5 बैकलिंक चाहिए, उनकी ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और आपका जो है वो यूआरएल है जिसपे आपने बैकलिंक लेना है वो ये है, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइस मेंशन कर सकते हैं, फिर दूसरे लोग आके यहाँ पे आपको बिड करेंगे, ठीक है। और उसकी रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन आई थिंक ये भी इतना कंसर्न नहीं है इससे, और आई विल नॉट रिकमेंड यू, इसको मैं इतना एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा और मैंने खुद भी यूज नहीं किया क्योंकि इसकी जरूरत नहीं महसूस होती। आगे आ जाते हैं टास्क। टास्क भी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे ही आप अपने कोई ऑर्डर करेंगे तो वो सेलर एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे, यानी कि सेलर ने एक्सेप्ट किए हैं नहीं किए नहीं, वो आपके यहाँ पे कोड फिल्टर होता है जो कि अभी हाइड हो गया है, यानी कि आपने जो ऑर्डर कर दिया है वो सामने आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे जैसे ही आप टास्क में क्लिक करते हैं। फिर आगे आ जाएगा अगला फीचर के सेलर ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, फिर उसके बाद इन प्रोग्रेस से सेलर उसको खुद डाल देगा, जैसे जैसे उस पर वो काम कर रहा है सेलर अपने हिसाब से वो चेंजिंग कर देगा, और फिर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, इन प्रोग्रेस में आपको रिजल्ट आ जाता है, वो जो आपने ऑर्डर किया हुआ है उसका आपको रिजल्ट सामने आ जाता है, लाइक वो अभी इस पे काम कर रहे हैं। जैसे ये एक वेबसाइट है छोटी सी, और इस छोटी सी वेबसाइट के ऊपर मैंने एक छोटे से अपने क्लाइंट का लिंक पेस्ट किया हुआ है फॉर टेस्टिंग, तो अप्रूवल में आ जाएगा। अप्रूवल में आके आपने चेक करना है, या तो आपको एक्सेप्ट करना होता है या फिर रिजेक्ट करना होता है, या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए आप उसको सेंड कर सकते हैं कि भाई आपने जो लिंक लिया लगाया वो ठीक नहीं है, आपने डू फॉलो का कहा था नो फॉलो लगा दिया, सब कुछ चेक करने के बाद फिर आपने अप्रूव करना है। आगे आ जाते हैं जी, कॉन्टेंट परचेज। अगर आपने आर्टिकल यहाँ पे बाई करना है, दैट विल आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आपको ये बाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप चैट जीपीटी से बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको लिख के दिया जाएगा वो भी किसी न किसी टूल के थ्रू ही लिख के देते हैं ज्यादातर। बहरहाल ये एक फीचर है जहाँ पे आप डेफिनेटली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, किसी भी बायर को रैंडमली वो शिफ्ट हो जाएगा, या फिर आप एडसे वालों को आई थिंक ये प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये फीचर भी यूज नहीं किया। जो मेन फीचर है वो ये है बेसिकली, एज एन बायर अगर हम देखें। आगे आ जाते हैं जी लिस्ट में। अच्छा, ऐसी वेबसाइट्स जिनमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं कि ऐसी वेबसाइट्स आपको सर्च में कभी भी नजर ना आए, लाइक यहाँ पे आप जब वेरीफाइड पब्लिशर पे क्लिक करेंगे और आगे आपको कुछ वेबसाइट्स वहां पे शो हो रही होंगी, वो आपने उनको ब्लैक लिस्ट कर देना, वो कभी भी नेक्स्ट टाइम आपको सर्च में नजर नहीं आएंगी पब्लिशर्स की तरफ से, तो यहाँ पे वो लिस्ट होती है। उसके बाद ऐसे पब्लिशर्स जो आपको लगता है कि इन्होंने एक दफा आपके साथ स्कैम किया था, उसको अब जब आप ब्लॉक कर देंगे तो वो यहाँ पे आपके नजर आना शुरू हो जाएंगे, यानी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि एक सेलर ने आपका टाइम जाया कर दिया और फिर आप उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर दोबारा वो आपको सर्च में नजर नहीं आएंगे एडसे की। आगे आ जाते हैं जी रिकमेंडेड साइट्स। एडसे खुद कुछ साइट्स को रिकमेंड करता है कि ये वाली साइट्स जो है वो अभी आजकल इन पे बाइंग और सेलिंग अच्छी हो रही है, और ये इनकी अथॉरिटी भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छी मिल रही है, और इन साइट्स को आप बाई कर सकते हैं, यानी जो रिसेंटली जिनके ऑर्डर कंप्लीट हुए हों और ज्यादा तादाद में हुए हों उनको एडसे जो है वो रिकमेंडेड साइट्स में डाल देता है। बाकी फिर बैलेंस जो कि यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, ये सारा इसका ओवरऑल है कि अभी ये वैसे जो मैंने बैलेंस किया हुआ है पोस्ट किया होता है, एक दफा 25 किए थे, एक दफा 30 किए थे आई थिंक,
तो ये डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाती है। ये थी ओवरऑल बायर के हिसाब से हिस्ट्री, जो कि अगर आपको कहीं से भी ऑर्डर आ जाता है तो वो ऑर्डर आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिटेल में बताने का मकसद था वो ये था कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस बंदे को हायर करना है और क्या क्या चीजें उसकी देखनी है, कौन सी साइट्स यहाँ से सेलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे लोग बस ऐसे ही साइट्स भी ऐड कर देते हैं जो हमारे हमारे कंट्री के हैं या इंडियंस वगैरह हैं। तो ये मेक श्योर करना होता है कि वो क्वालिटी वाले लोग हों और क्वालिटी वाली उनकी रेटिंग हो। अच्छा, ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसका पार्ट वन तो हो गया ये कि बायर मोड क्या है, बाकी एज एन सेलर आपने किस तरीके से इस पे काम करना है, क्या तरीकाकार होता है, वो मैं इसका पार्ट टू बनाऊंगा, क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाती है, डेफिनेटली उसको फिर मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। पार्ट टू एडसे का मैं बहुत जल्द ही बना के इसी वीडियो के साथ जो है वो लिंक कर दूंगा।